तो आज फिर से लेके आई हूँ बचे हुए कपड़े के छोटे से टुकड़े का नया आइडिया। तो सिर्फ कपड़े के एक सिंपल से पीस से, राइस बैग से, एक बहुत ही सुंदर नई ट्रिक को यूज़ करने वाली हूँ और मैं बनाने वाली हूँ इस तरीके का प्यारा सा स्लिंग बैग। बहुत ही इजी है इसे बनाना। एक पॉकेट यहाँ पे देखिए मोबाइल रखने के लिए, तो ईजिली आपका मोबाइल आ जाता है, और एक जिपर पॉकेट यहाँ साइड में भी है पैसे वगैरह रखने के लिए। तो बहुत ही आसान है ये वाला बैग बनाना, और ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना डिले के हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए इस तरीके से कपड़े का एक पीस लिया है, बीच में राइस बैग, सबसे नीचे लाइनिंग। इसके मेजरमेंट बता देती हूँ, 9.5 इंच, और ऐसे है ये 10.5 इंच। अब इसके चारों तरफ सिलाई लगा के क्विल्ट करना है और एक्स्ट्रा कट कर लेना है। तो देखिए सिंगल पीस हमारे पास क्विल्टेड रेडी हो गया, बीच में राइस बैग डाला हुआ है। तो ये हमारा इस तरीके से फोल्ड होगा, तो साइड में रखते हैं। अब बनाते हैं इसके लिए पॉकेट, आगे वाली मोबाइल वाली पॉकेट। तो इसके मेजरमेंट बता देती हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, एक और पीस लेना है सेम साइज़ का लाइनिंग वाला, इसे इसके ऊपर रखना है देखिए, और ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद आपको इसे दूसरी तरफ को पलट लेना है और थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लेना है लाइनिंग वाले पीस को, कि हमारी पाइपिंग जैसी बन जाए। ये देखिए इस तरीके से प्रॉपर अच्छे से बिठाते हुए इसके चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, और जितना भी एक्स्ट्रा होगा नीचे की तरफ से उसे कट कर लेंगे। तो ये हमारी देखिए पॉकेट बन के रेडी हो चुकी है। अब इसे जॉइन कैसे करना है वो भी बता देती हूँ। तो ये हमने फोल्ड किया हुआ था, यहाँ पर आप सेंटर पॉइंट पर इसके निशान लगा लीजिए, और निशान लगाने के बाद हमने ये जो पॉकेट बनाई है इसे हम इसके ऊपर लगाएंगे। तो ये हमारी यहाँ तक आनी चाहिए जहाँ तक हमने फोल्ड किया है इसे। तो ये देखिए इस तरीके से लगेगी, और जो हमारा एक्स्ट्रा है उसे हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारी पॉकेट यहाँ पे अटैच हो जाएगी। तो हम इसे रखेंगे इस तरीके से सीधा, और यहाँ से जितना भी एक्स्ट्रा है उसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लीजिए, और इस पर चारों तरफ तीन तरफ सिलाई लगा लीजिए और एक्स्ट्रा कट कर लीजिए। तो ये हमारी पॉकेट भी रेडी हो गई है देखिए। अब हमें क्या करना है, हम इस पर ज़िप लगाएंगे। तो सिंपल ज़िप ले ली मैंने, इसको बीच में से हम अलग कर लेते हैं। तो ज़िप का एक पीस इस तरफ लगेगा, सीधी तरफ अंदर की तरफ रखनी है, और आपको इस पर पूरे पे सिलाई लगा लेनी है। सेम ऐसे ही सीधी तरफ अंदर की तरफ रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों तरफ हमारे सिलाई लग गई। अब पलटते हुए इसके ऊपर आपको टॉप स्टिच लगा लेना है दोनों तरफ। तो टॉप स्टिच भी लग गया, अब दो मिनट साइड पे रखते हैं, फ्लैप बना लेते हैं। तो फ्लैप बनाने के लिए देखिए कपड़ा लिया है 6 इंच × 4 इंच का, और इसे हम देंगे शेप। तो अगर आप गोलाई में बनाना चाहते हैं तो इसे गोल शेप दे दीजिए। तो जिस भी शेप में आप फ्लैप बनाना चाहते हैं वैसे ही आपको इसे शेप देनी है। तो ये मैंने शेप दे दी इसे तिरछी, और हम इसे कट कर लेंगे। अब लाइनिंग वाले पीस के ऊपर रखते हुए सिलाई लगा लीजिए। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा हमें कट कर लेना है, और हम इसे सीधा कर लेंगे। छोटे छोटे नोचिस लगा लिए हमने, इसे सीधा कर लिया, टॉप स्टिच लगा लीजिए। तो ये हमारा फ्लैप भी बन गया, रेडी हो गया। फ्लैप को हमें लगाना है यहाँ पर जहाँ हमारी पॉकेट है, और उसके बाद हमें लगाना है देखिए इस तरीके से स्ट्रैप को। तो ये स्ट्रैप ले मैंने ली है 47 इंच की, मैं रेडीमेड यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो कपड़े को फोल्ड करके बना सकते हैं। इस तरीके से तीनों को रखना है, और इस पे आपको सिलाई लगा लेनी है। तो ये मैंने लगा ली है इस पे सिलाई। अब हम इसमें रनर को इंसर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए एक तरफ से हम रनर को यहाँ से इंसर्ट कर लेंगे। रनर इंसर्ट करने के बाद इसे अंदर की तरफ को फोल्ड कर लेंगे, एक्स्ट्रा जिप को कट कर लेंगे, और हम इसे अंदर की तरफ को फोल्ड कर लेते हैं, और हम अंदर की तरफ से इस पर सिलाई लगाएंगे। तो बस ये हमारा पाउच बनके रेडी हो जाएगा। दोनों तरफ साइडों पे इस पर सिलाई लगा लीजिए। सिलाई लगाने के बाद सिंपल पट्टी से हम इसे फिनिश कर लेंगे। इससे हमारी ज़िप भी फिनिश हो जाएगी, और अंदर से भी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारा बैग बनके रेडी हो गया है देखिए। अब ज़िप वाले पोर्शन की तरफ से हम इसे सीधा कर लेते हैं, और यहाँ पे मैंने लगा ली है वेलक्रो। तो देखिए इस तरीके से
ज़िपर के साथ ये हमारा बैग बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो एक पॉकेट यहाँ पे मोबाइल रखने के लिए और एक पॉकेट यहाँ पे। तो कितना इजी था बनाना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।